ज्यादा लग गया एकदम पूरा देखे ग्राम पोस्ट हैदराबाद थाना रौनापुर जिला आजमगढ़। अच्छा अच्छा, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुड्डू मौर्या सर मित्र पर। आज का रेस्क्यू कॉल हमें हैदराबाद से आया है। वो वाला हैदराबाद नहीं जो आप समझ रहे हैं, ये हैदराबाद आजमगढ़ जिले के अंतर्गत ही आता है। एक गांव का नाम है हैदराबाद। यहाँ पर कुल 6 इंडियन रॉक पाइथन घर के अंदर जगह बना करके रहते हैं। ऐसे में इसी घर के अंदर इनके गायों का चारा रखा जाता है, पशुओं का चारा रखा जाता है और सामान वगैरह भी रखा जाता है, जैसे गोबर के उपले वगैरह। और जब भी कोई सामान लेने जाता है तो इंडियन रॉक पाइथन उनके ऊपर हमला करते हैं, इसलिए इनके मन में डर बना हुआ कि कभी कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए, इसलिए वो सभी इंडियन रॉक पाइथन को सुरक्षित ढंग से बाहर करवा देना चाहते हैं। यहाँ पे कितना है? ये दो है कि एक है? दो लग रहा है, यहाँ दो हैं, दो यहाँ पे हैं। नहीं सब उतना तेज गति से चले वाला माँ। अरे मने दिखाओ घर, सबको अलग अलग। अरे भाई अलग अलग फिर। यहाँ पर कुल 6 अजगर सांप देखे गए थे, जिनमें से अभी सिर्फ 2 ही दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोग पहले इन दोनों सांपों को सुरक्षित ढंग से रेस्क्यू कर लेंगे, उसके बाद बाकी के बचे 4 सांपों को भी ढूंढेंगे और उन्हें भी सुरक्षित ढंग से रेस्क्यू करके सभी सांपों को एक साथ उनके अनुकूलित वातावरण में रिलीज करेंगे। कितना? सिर्फ 2 ही दिखता था कि और दिखते थे? सिर्फ 2 दिखते थे कि और दिखते? 5 पीस। तो उससे यहाँ पे सिर्फ 2 दिखाई दे रहे, बाकी के 3 किधर है? वही तो आज पता नहीं कहाँ है हवा दे। मोटका वाला है, मोटका भैया कुछ हाथ होते हैं पहन लीजिएगा। नहीं ठीक है, आप उसकी चिंता नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे यार ठीक है, लेकिन कही थी हम कहा कोई ये फिलहाल यहाँ लौका। अरे ये भैया आप गाना गा गया। अरे बाहर ही लेके आ जाएंगे। और यहाँ पर इन दोनों अजगरों में से एक पर हमारी पकड़ बन चुकी है, लेकिन ये अपने शरीर के बाकी हिस्सों से इस पतरे में बहुत ही खतरनाक ढंग से पकड़ बना रहा है। इसे कहीं ना कहीं खतरा महसूस हो रहा है और यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता। भैया बोरी हो रही थी कुछ पकड़ने के लिए मुआ? किसी भी जीव के रेस्क्यू के दौरान हम लोग उसकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हैं, उसके लिए हमें उस रेस्क्यू में ज़्यादा वक्त लगता है, तब भी हम लोग बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करते, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में जिस जीव को हम लोग रेस्क्यू कर रहे होते हैं, चाहे वो सांप हो या फिर कोई अन्य जीव हो, उसे खतरा होने का चांस बना रहता है। छोड़ दीजिए, नीचे जाने दीजिए, ऐसे कहाँ गिर बनेगा उसको, नीचे जाने, भूसा है, चोट नहीं लगेगा उसको, आराम से जाने दीजिए। अरे, तो हाथ समेटा हुआ है। अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं, देखिए आपके ऊपर अटैक कर सकता है। अंतिम नहीं, आज तो इनको जाएंगे अपनी जगह पे जाएंगे। सुनने जगह नहीं दे रहे। चलिए बहुत अच्छी सोच है, कम से कम आप लोग कम से कम जहरीला ना होना। बिल्कुल सही, बस इधर इसको पैक करना, बड़ा वाला। हाँ बड़ा वाला हाँ वही लेते हैं। देखिए तू हट जा ना यार, हट जा, काट तो ले करी और ज्यादा वक्त न गवाते हुए हम लोग इसे जल्दी से बैग के अंदर पैक कर लेंगे, उसके बाद बाकी के बचे इंडियन रॉक पाइथन्स को भी सुरक्षित ढंग से रेस्क्यू करेंगे और इन सभी सांपों को ले जाकर के इनके अनुकूलित वातावरण पे रिलीज कर देंगे। और आप लोग देख सकते हैं जैसे इसे खतरा महसूस हो रहा है, ये हमला कर रहा है, ये इनका नेचर होता है। जब भी इन्हें खतरा महसूस होता है, अपने बचाव के लिए, अपने आप को फ्री करने के लिए सामने वाले पर हमला करते हैं, ताकि सामने वाला इन्हें छोड़ दे। और इसके साथ ही ये अपने शरीर से एक तरह का विशेष तरल निकालते हैं, जो कि बहुत गंदा स्मेल करता है, जिससे कि
सामने वाला शिकार या फिर जो इन्हें पकड़ रहा है वो इन्हें छोड़ दे और ये भागने में सफल हो जाए। बहरहाल हम लोग इसे पहले तो बिना सिर पकड़े इस बैग में पैक करने का प्रयास करेंगे, लेकिन जिस हिसाब से ये फुर्ती में दिखाई दे रहा है, गुस्से में दिखाई दे रहा है, हमें नहीं लगता कि ये खुद ब खुद बैग के अंदर जाएगा और ज़्यादा वक्त ना लगाएंगे हम लोग इसके सिर को पकड़ करके ही इसे बैग में पैक कर देंगे। उनको पैक करना एक मिनट का काम है, बस ये है कि थोड़ा ज़बरदस्ती नहीं करना चाह रहे हैं। और ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए हम लोग इसे जल्दी से इस बैग में पैक कर लेंगे, उसके बाद बाकी के बचे सांपों को भी ढूंढेंगे क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सांप हैं और हमें सभी सांपों को रेस्क्यू करके दिन ढलने से पहले उनके अनुकूलित वातावरण में रिलीज भी करना है। और ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए हम लोग बाकी के बचे सांपों को भी फटाफट रेस्क्यू कर लेंगे क्योंकि एक ही सांप के रेस्क्यू में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया। इस तरह से अगर हम लोग रेस्क्यू करेंगे तो हो सकता है सभी सांपों को पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा वक्त हो जाए और इन्हें रिलीज करने में शाम भी हो जाए, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग शाम से पहले ही इन सभी सांपों को रिलीज़ कर दें। इस सांप के साथ छेड़छाड़ इसे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए ये गुस्से में आ गया है और ये डिफेंस मोड में आ गया है। जब भी कोई सांप को खतरा महसूस होता है तो अपने आप को बचाने के लिए अपने पूरे शरीर को कहीं पर फंसा लेते हैं और अपने गर्दन को पूरी तरह से फ्री कर लेते हैं ताकि जो भी इनके ऊपर हमला करे ये वापस से उनके ऊपर हमला करके अपने आप को सुरक्षित कर सके। इसलिए इसने इस तरह से अपने पिछले शरीर को फंसा करके आगे का पूरा हिस्सा फ्री कर रखा है ताकि ये जो भी इसे छेड़छाड़ करे इसके साथ उसे बाइट कर ले। जब भी कोई सांप आपको देख करके अपनी गर्दन को बेंड करके एस बना ले जिस तरह से इस इंडियन रॉक पाइथन ने बनाया हुआ है, तो आप लोग समझ जाइए कि ये डरा हुआ है और ये अटैक करने के मूड में है। ये अपने गर्दन को इस तरह से मोड़ करके पीछे कर लेते हैं और फिर उसे काफ़ी तेज़ी से आगे ले जा करके सामने वाले जीव पर या फिर इंसान पर ये हमला करते हैं और बाइट भी कर लेते हैं। ऐसे रसल स्वाइपर भी करते हैं जो कि काफ़ी खतरनाक होते हैं। इनको पकड़ना जैसे बहुत कम टाइम का काम है, लेकिन हमारा क्या काम रहता है कि ये सुरक्षित रहे। किसी भी जानवर का सिर दबाना जब तक जरूरी ना हो तब तक मत दबाया करिए, क्योंकि किसी को पसंद नहीं आता है। तो हम लोग इनको ये ट्राई करते हैं कि मतलब ये सेफ वे में रेस्क्यू हो, मतलब टाइम थोड़ा लगे लेकिन ये सुरक्षित रहें। बचाने आ रहे हैं, घायल कर देंगे तो क्या ही मतलब निकलेगा। और यहाँ पर हमने दूसरे इंडियन रॉक पाइथन को भी सुरक्षित ढंग से रेस्क्यू कर लिया। हम लोग इस सांप को भी बाहर ले चल के उसी बैग में पैक कर लेंगे जिसमें हम लोगों ने पहले इंडियन रॉक पाइथन को पैक किया हुआ है, क्योंकि ये दोनों इंडियन रॉक पाइथन एक ही साथ एक ही जगह पर रहते थे, इसलिए हम लोग इन दोनों को एक ही बैग में पैक कर लेंगे और यहाँ से दूर ले आकर के एक ही साथ इनके अनुकूलित वातावरण में रिलीज भी करेंगे। अभी इसको रेस्क्यू करने के बाद, मतलब इसको पैक करने के बाद, हम लोग बाकी के अन्य सांपों को भी ढूंढ करके रेस्क्यू कर लेंगे। विकास को भेजें। फाइनली इन दो इंडियन रॉक पाइथन्स को रेस्क्यू करने के बाद अब बारी है बाकी के बचे हुए इंडियन रॉक पाइथन्स की, जो कि इस झोपड़ी में दूसरी तरफ है जिधर गोबर के उपले और लकड़ियां वगैरह रखा गया, उन्हीं के नीचे ये सारे इंडियन रॉक पाइथन है और वहां पर सिर्फ दो नहीं बल्कि 3 या 4 इंडियन रॉक पाइथन होने की संभावना जताई जा रही है जैसा कि यहाँ के लोगों ने हमें बताया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ढेर सारी लकड़ियाँ रखी गई हैं, साथ में गोबर के उपले वगैरह भी रखे गए, तो ऐसे में हमें इन सांपों को रेस्क्यू करने के लिए इन सभी सामानों को थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकालना पड़ेगा सुरक्षित ढंग से, क्योंकि सांप कहीं पर भी हो सकता है, कैसी व्यवस्था में मिल सकता है। ये रेस्क्यू काफ़ी ज़्यादा लंबे वक्त तक चला और ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो जाए, इसलिए हम लोगों ने सामान निकालने के प्रोसेस को 8 गुना तेज स्पीड में कर दिया है ताकि आप लोग इस वीडियो को देखते हुए बोर ना हो, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और जब तक आप लोग इसे पूरा देखेंगे नहीं आप लोगों को समझ नहीं आएगा। इसलिए हम लोगों ने पूरे प्रोसेस को तो रखा हुआ है लेकिन हम लोगों ने अननेसेसरी पार्ट को कट भी कर दिया और वीडियो की स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया, 8 गुना तक बढ़ा दिया है।
अरे अपना दिखा भाई ये तो है फोफो काटा ए काटा दूसरा मार देखा देखा अरे बाप रे काटा नहीं किसी को बाइट नहीं किया किसी को काटा माल है कटलना खतरनाक है आप लोग हट जाइए हट जाइए देखिए संभाल के दो नीने हैं देखिए ध्यान से बाप रे बच गए लोग साफ साफ सुन आइए गाड़ी में छोटा दूसरा भी आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं लेकिन यही के हमें कहीं फेंक फेंक के मर ले रही है यही वाले फेंक फेंक के मर ले रही है इस सांप को पहचान लीजिए रेपर एक बार इसको निकाला था अपने घर से क्या मल्ला तवा समय से भाग ली है वो रत छोड़ और बाल्टी लगा के उसी में उठा लिया लेकिन संभाल क्योंकि इनका जंपिंग पावर बहुत तगड़ा है 3 से 3.5 फीट तक जंप करके काटते हैं और इनका दांत जो है सारे सांपों से बड़े होते हैं ले ले जीता है कि घर है वो घर हुआ हुआ है देखिए मैं आपको इन लोगों का दाम दिखा दे रहा हूँ आज के पहले यहाँ के लोग इस सांप को भी इंडियन रॉक पाइथन ही समझते थे ये लोग इसे अजगर सांप का बच्चा समझते थे जिसकी वजह से कई बार इन लोगों ने इसे अपने हाथों से उठा करके एक जगह से दूसरी जगह पर रख दिया इसे रेस्क्यू कर दिया और किसी बाल्टी वगैरह में डाल करके दूर भी रिलीज किया इन लोगों को ये नहीं पता था कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और जहरीला सांप है और अगर ये बाइट कर ले तो इंसान का बचना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर वो हॉस्पिटल ना जाए तो उसकी मौत निश्चित है और सभी सांपों में इनका दांत सबसे ज़्यादा बड़ा होता है और उनके पास ऊपर के दांतों में 4 दांत होते हैं वेनम वाले आप देख सकते हैं जैसा कि डिटेलिंग में साफ साफ दिखाई दे रहा है एक तरफ 2 दांत और दूसरी तरफ 2 दांत कुल इनके पास 4 दांत होते हैं जिससे कि ये वेनम इंजेक्ट करते हैं और ये भारत के सबसे खतरनाक सांपों में से एक होते हैं मर्दाबाद सनका ला ले ले बैग ले और आके टायर ना नहीं तो रुक जाए जाता चलिए अब इसको पैक करते हैं चलिए आप लोग हिंदी में दवैया कहते हैं दवैया और यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा होते होते बचा आज तक ये लोग जिसे इंडियन रॉक पाइथन यानी कि अजगर सांप समझते थे वो असल में रसल स्वाइपर निकला और इनके घर में ऐसे ही रहता था ये लोग इसे अजगर सांप का बच्चा समझ करके इधर उधर हटा दिया करते थे बहरहाल हम लोग बाकी के इंडियन रॉक पाइथन को भी रेस्क्यू करने वाले हैं थोड़ा हटी तो भैया भैया हटी भैया अपने उससे अक्सोवस फंसा के थोड़ा बोलियो अच्छा क्या है यहां पे बैठा हुआ क्या है लोकल को हां ले डर लग रहा है थोड़ा सा स्वाइपर ना कहीं निकल जाए सर्वाइवर ना निकल जाए कहीं तो खड़ी है ना तो पीछे हट गई है तो बबलू भाई वही से हमने चलता तो मर ले जा वही से मैंने जो इच्छा खुद पड़ गया लोग कुवत ना रहा है तो भाई हम कालीन से बात कर आप एक ज्यादा एक एक ज्यादा लग रहे हैं एक ज्यादा पक्का ये तो दो दो हां उससे भी ज्यादा दो से भी ज्यादा है ये भी बाकी सब है बाकी सब है बहुत सारे ले चले भारी कोई दिक्कत नहीं है एक एक करके ले चलना था ना झूठे तुम दोनों को नहीं लगाना चाहता था पहले गलत ये जो है बस इसी को खींच लीजिए वाला खींचिए ध्यान से नहीं रहा तो मैं को और मुड़िया मार देता वहाँ हथवा ना डाल एक एक सिंगल सिंगल उठाना चाहिए बैग लेके आ गए बाहर लेके आ गए भाई इसको छोड़ दीजिए इधर ऊपर आ गया कोई दिक्कत नहीं इधर ऊपर है पकड़ा जाएगा आराम से पहले पैक करिए रुक जाइए ठीक है उधर पीछे देखते रहिए इसको इधर पैक करिए ले आओ बैग उधर थोड़ा जगह छोड़िए आप लोग थोड़ा जगह काम करने के लिए जगह छोड़िए यहाँ इसको पैक करवाइए इसके बाद अगले के लिए बाहर ले चलिए इसको बाहर लेते चले
इसमें तीन हो गया ना, तीन हो गए। आप लोग बाहर लिख सकते हैं, उधर लिख सकते हैं, हम लोग लेके आ रहे हैं आराम से। दो तीन लोग चलिए अगला। एक एक यहाँ पे एक आगे है, तो देखिए जो पकड़ते बनना पहले उसको। भैया देखना ये गोईठा में सतर्क कर रहना पीछे जो। मैं पीछे वाले का निगरानी चाहता हूँ कि पीछे इसमें तला और ना। हाँ इसमें और उसमें दिक्कत होगा। वही ना, आपका पैर जूता आप दूसरा पहने, हम भी जूता नहीं पहने इसलिए उधर नहीं जा रहे हैं। छोटा सा लकड़ी हटा दीजिए सब। वहाँ भी नीचे भी। हाँ दिख रहा है, अभी दो है यहाँ पे, दो माल है, अभी दो माल है। अरे इस मन को लिए सब इस्तेमाल नहीं करेंगे, हटा लीजिए हाथ से ढाई बिंदास, कोई दिक्कत नहीं। हम आऊँ अपन औजार वाला इसलिए ले लिया। बस इसको रखे तब उसको, इसको रख लीजिए ऊपर पड़ा रहेगा आराम से, इसको ही रख लीजिए बाहर। और यहाँ पर कुल 6 सांप रहते थे, जिनमें से 5 इंडियन रॉक पाइथन, लेकिन एक इंडियन रॉक पाइथन के भेस में जहरीला रसल स्वाइपर रहता था, जिसे यहाँ के लोग इंडियन रॉक पाइथन ही समझ रहे थे और उसका बच्चा समझ करके बार बार छोड़ दे रहे थे। इन लोगों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये जहरीला सांप है और अगर ये काट लेगा तो क्या हो सकता है। इन लोगों को ये पता है कि इंडियन रॉक पाइथन नॉन वेनमस होते हैं, इनके काटने के बाद जान का खतरा नहीं रहता, लेकिन रसल स्वाइपर के बारे में इन लोगों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। चलिए अगला। अरे बाप रे, तो ग्रिपिंग बना लिया ध्यान से। विकास इसका मुंह खोलिए, इसका मुंह खोलिए, बिंदास बिंदास खोलिए, आगे से आगे सगा मुंह खोलिए। अरे इसे आगे से मुंह खोलिए, इसे आगे से खोलिए ना, खोलिए। अरे अब दांत लगा, मैं पकड़ लिया हूं, खोलिए विकास। उंगली अंगूठा ले लिया विकास, निकालो उन्हें, वो ज्यादा खून निकाल रहा है। स्टिक ले दे, स्टिक अंदर, स्टिक अंदर दौड़ के अंदर, स्टिक अंदर, स्टिक के अंदर, स्टिक के दौड़ के लेके आओ। इसके लिए तुम्हें नहीं लगाया, हमने जानता था। दोनों तरह से मुंह दोनों तरफ स्टिक से दबाओ, एक और स्टिक निकालो, दबाइए दोनों, एक हाथ से यहाँ से पकड़िए, हाँ दबाइए, बीच में लगाओ, बीच में लगा सकते, बीच में कोई बात नहीं है। तुम उसको दबाओ, उसको दबाओ, हाँ उसको दबाओ, मैं बीच में पकड़ रहा हूँ, दबाए एक जन, इधर से दबिए, तो ये वाला, हाँ दबिए दबिए, हाँ तब ठीक रही वो वाला भैया, अंदर की तरफ लेके, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। और बाप रे, अब मेरा मेरा बना लिया है, रुक जा, विकास तुम ये पकड़ो, मैं निकाला इसको, आप हटाई भी आ रहे। अरे बाप रे, पूरा जग में पानी मत कर दे, पहले इसको पैक कर लीजिए, थोड़ी जल्दबाजी चक्कर में भाग रहा था वो भैया। नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, विकास तुम पैक करो तो भाई, भैया। अरे नहीं 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 नहीं, सब नहीं, ऐसा तो हम लोग के साथ, हम लोग की गलती है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी जल्दबाजी बस, उनका पानी ले ले रहा, ले ले ध्यान से भैया, धो लीजिए, बहुत ज्यादा लग गया एकदम पूरा, देखिए ऐसे मेरे में लग गया छुड़ाने में, निकालने में।
आज खतरनाक हादसा हो गया। होते पहले तो बचा रसल फाइबर का काटा रहता तो दूसरा सीन हो गया रहता। रसल फाइबर था अगर वो काटा रहता सारा काम खोज छोड़ के हॉस्पिटल जाना पड़ता। और यहाँ पर हम लोग इन सभी सांपों को रिलीज करने के लिए आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं ये काफी ज्यादा बड़ा जंगल है और इस जंगल के बीचों बीच होकर के एक नदी भी जाती है। ऐसे में ये जंगल इन सांपों के लिए पूरी तरह से अनुकूलित रहने वाला है। यहाँ पर इंसानों का आना जाना पूरी तरह से वर्जित है। यहाँ पर सिर्फ वन विभाग के लोगों को आने की अनुमति रहती है तथा हम लोग आते हैं अन्य जीवों को रिलीज करने के लिए। बाकी सामान्य इंसान का इस जंगल में आना बैन है, इसलिए ये यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे और इंसान भी इन सांपों से पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पांचों इंडियन रॉक पाइथन्स को रिलीज कर लेंगे जिनको हम लोगों ने इस बड़े बैग में पैक किया हुआ है। इसके बाद हम लोग रसल स्वाइपर को थोड़े अलग डायरेक्शन में रिलीज करेंगे। वैसे आज ये काफ़ी बड़ा हादसा होते होते बच गया। हमारी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से अजगर सांप ने बाइट कर लिया। अगर वहाँ पर रसल स्वाइपर बाइट किया होता तो कुछ और ही बात होती। बहरहाल आप देख सकते हैं सभी इंडियन रॉक पाइथन्स काफ़ी तेजी से अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं और ये यहाँ पर अच्छे ढंग से रह लेंगे और अपनी बाकी की ज़िंदगी जी पाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन इंडियन रॉक पाइथन एक ही दिशा में जा रहे हैं, बाकी के दो इंडियन रॉक पाइथन अलग दिशा में चले गए। इन सांपों के जाने के बाद अभी हम लोग रिलीज करने वाले हैं रसल स्वाइपर स्नेक को और इसे हम लोग अजगरों से थोड़ी सी दूरी पर रिलीज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने रसल स्वाइपर को भी रिलीज़ कर दिया है जो कि थोड़ा सुस्त दिखाई दे रहा है और काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ भी दिखाई दे रहा है। जब भी रसल स्वाइपर या फिर अजगर सांप डरे हुए होते हैं तो वो अपने गर्दन को इस तरह से बेंड करके एस बना लेते हैं और जैसे इन्हें खतरा महसूस होता है ये तुरंत सामने वाले के ऊपर बाइट कर देते हैं, हमला कर देते हैं। ऐसे में हम लोग उचित दूरी बना करके इसे थोड़ा सा छेड़ेंगे, थोड़ा सा परेशान करेंगे ताकि ये यहाँ से भाग जाए। और आप देख सकते हैं फिलहाल जो रसल स्वाइपर है वो काफ़ी तेज़ी से अपने अनुकूलित वातावरण पर जा रहा है। यहाँ पर ये अच्छे ढंग से रह लेगा और मेरी बाकी ज़िंदगी जी पाएगा। आज की वीडियो और जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रसल स्वाइपर और पाइथन के बीच डिफरेंस पहचान पाएँ और किसी के साथ कोई अनिष्ट ना हो, किसी के साथ कोई दुर्घटना ना हो। आज की वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस नए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।